Hello students, now we are going to attempt exercise 14.3. It is about median. तो ये median के बारे में, median कैसे निकालते हैं? तो median का formula हमारे पास होता है L plus N by 2 minus CF divided by F और multiplied by X class size. तो इस प्रकार से अब ये क्या क्या होता है, मैं एक बार टेबल बना देता हूं. हमारे पास ये टेबल है, इसमें ये तो है क्लास इंटरवल यानी यूनिट कंज्यूम. ये क्या है कि एक कॉलोनी है जिसमें हाउस होल्ड होते हैं, तो उनकी बिजली की खपत है कि भाई किसकी खपत कितनी है, तो यूनिटों में आती है. तो एक ग्रुप दे रखा है कि 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 155, 185 to 255. ये आपकी फ्रीक्वेंसी है यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो ये एकुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है हमें, एकुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो इसमें जो इसकी ये तो मैंने लिख दिया, इसकी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4. ये अब ये एकुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये तो अलग अलग ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है यानी इतनी यूनिट इनके बीच में जो यूनिट आती है वो इतने आदमी है, चार आदमी. इनके बीच में यूनिट आती है वो पांच आदमी है यानी पांच घर है जिनकी यूनिट इतनी. तो ये तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी है अलग अलग ग्रुप की, ये टोटल फ्रीक्वेंसी होती है. जैसे लेस देन या मोर देन, तो इसको हमने लेस देन में बनाना है. 65 to 85 यानी लेस देन 85, तो जो बड़ी है ना उससे लेस देन होता है, छोटी से तो मोर देन होगा, इससे बड़ा, क्योंकि इससे नीचे तो कुछ है नहीं, इससे बड़ा मोर देन, इससे लेस देन. तो 85 से कम कितने की है? 65 से 85 चार है यानी 85 से कम वाले चार आदमी. 85 से 105 की कितनी है? अब 85 से नीचे के तो चार है और 105 और 85 के बीच में है पांच, तो लेस देन 105. ये लेस देन 85 तो चार है, लेस देन 105. 105 से कम यूनिट कितना हो गया आपकी? तो ये भी 105 से कम है, ये भी 105 से कम है, दोनों का ऐड कर दो 9. इसमें ये भी ऐड कर दो 22. इसमें ये ऐड कर दो 42. यानी नीचे वाला ऐड करते जाओ 56, 64, 68, less than 20. अब हम यहां देखते हैं L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. तो पहले हमें मीडियन क्लास का पता करना है क्या है. टोटल इसका क्या था? 68. तो N आ जाएगा, N by 2 आ जाएगा, 68 by 2, 34 आ गया. इसमें 34 देखिए कहां पे, ये 22 है, इनके बीच में आएगा 34. लेकिन हमने अगर पूरा नहीं मिलता है तो उसे बड़ी वाली रकम लेंगे, ये 42 फ्रीक्वेंसी, ये है मीडियन क्लास. ये 34 तो आया नहीं कहीं पे, तो इसे बड़ी वाली लेनी, छोटी नहीं लेनी, ये है मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास आपकी हो जाएगी, मीडियन क्लास इसके सामने वाली 125 to 140, ये मीडियन क्लास. तो इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी? एल, ये लोअर लिमिट है 120. सी एफ क्या है? N by 2 क्या है? 34 अभी निकाला था. CF क्या है? CF क्या होती है? CF होती है cumulative frequency preceding median class, यानी median class से पहले वाली cumulative frequency. तो median class तो हमारी ये है, ये तो frequency median class की, इससे पहले वाली लेनी है 20. तो CF क्या हो जाएगी? 20. ये 42 है तो ये 22 हो जाएगी CF. और उसके बाद आती है F. F होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास की, लेकिन ये कॉम्युलेटिव है फ्रीक्वेंसी, F लेनी हमने, F तो यहाँ पे 20, तो ये आ जाएगा F. बस अब आप इसमें रख दो तो मीडियन आ जाएगा. मीडियन L 125, N by 2 है 34, माइनस CF है आपका 22 और डिवाइडेड बाई F है आपका 20 और इनटू में H भी कितना है 20. H होता है क्लास साइज, यानी इनका डिफरेंस कितना है, तो सबका 20 है, ये 20 है, यही लिख देंगे H इक्वल टू 20.
ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको 125 प्लस इसको घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 12, यानी 137, कितना आएगा 137 यूनिट्स। आंसर हमेशा इसमें से आना है आपका, ये ध्यान, यदि कहने जाए कुछ भी तो इसमें से आंसर आएगा, ये आंसर होता है, ये यूनिट्स में है तो इतने यूनिट्स बिजली खर्च होगी मेडियन क्लास है। क्या है? मेडियन क्लास। तो ये इस प्रकार से हमने करना है। एक आध और बताता हूं मैं इसमें, कई बार क्या है टेबल नहीं दी जाएगी आपको, तो टेबल नहीं दी जाएगी तो हम उसका कर लेंगे कि हमने जो है टेबल बनानी पड़ेगी अपनी तरफ से। अभी ये मैं एक और चीज बताता हूं आपको, ये है इस प्रकार की टेबल दे रखी 118 टू 126, 127 टू 135, 136 टू 140। अब हमने देखा कि ये लगातार नहीं है, 126 पे खत्म, 27 से शुरू है, जबकि हमारा ऐसा होता था इसका लास्ट और इसका फर्स्ट एक सा होता था, तो पहले तो हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू के लिए क्या करेंगे हम, इसमें ये जो है ना इसमें ऐड कर दो 0.5, इसमें से कम कर दो तो ये हो जाएगी 1.17.5, कम कर दिया तो 168.5, इसमें से फिर कम कर दिया, इसमें फिर बढ़ा दिया, इसमें से फिर कम कर दिया, इसमें फिर बढ़ा दिया, इसमें ऐड करते जाओ 0.5, इसमें कम करते जाओ, तो ये एक सा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं और ले लेता हूं, तो ये तो बता दिया मैंने, बस ये कंटिन्यू करना है, बाकी चीजें वही है जैसे आप करते थे। अभी आपने एक चीज और दे रखी है, बाकी तो कर लेना, मैं ये बता देता हूं, इसमें दे रखी है कि बिलो दे रखी है, यानी आपकी जो टेबल है ना वो कंप्लीट नहीं दे रखी। ये है एज इन ईयर्स, ये तो एज है ईयर्स में, ये है आपकी नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर है ये, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये सभी बिलो 60, ठीक है। इसकी ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वास्तव में क्या है ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 2, ये 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, यानी टोटल 100 पॉलिसी होल्डर। तो इसमें ये बताया गया अभी बिलो 20, 20 से कम एज इयर्स में है, 20 से कम एज जिसके 20 साल से वो 2 है, 25 साल से जिसकी कम है वो 6 है। अब 25 का कम का मतलब ये 20 से कम, तो 0 से 20 के बीच में, 25 का मतलब होता है 0 से 25 के बीच में, तो भाई 0 से 20 के बीच में तो 2 थे और 0 से 25 के बीच में हो गए 6, तो इन दोनों के बीच में कितने बचेंगे 4। तो बिलो 20 तो 2 है, तो ये तो 2 इसकी यानी 2 जो 2 है फ्रीक्वेंसी 2 ही रही, क्योंकि 20 से कम, 20 से कम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी बचेगी, ये भी तो ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20 से कम, क्योंकि इससे पहले कोई ग्रुप ही नहीं है, तो 20 से कम वाला जो है बिलो 20 वो सारे हैं 0 से 20 के बीच में, तो वो तो केवल 2 है, तो ये कॉम्युलेटिव भी 2 ही है, लेकिन इसके बाद कम होती जाएगी बिलो 25, तो अब तो एक ग्रुप पहले भी आ गया इसकी 2 है, तो 25 से नीचे यानी 0 से 25 के बीच में एच है, तो 20 से 25 के बीच में हमने निकालना है, तो अगर 20 से 25 के बीच में हम निकालेंगे तो ये बच जाएगी 4, 6 में से 2 घटा दो, फिर इसमें से ये घटा दो तो 18, अब कम करते जाएंगे, इसमें से ये कर दो 21, इसमें से ये कर दो 33, इसमें से ये कर दो 20, 11, इसमें से ये 3, ये 6 और ये, तो ये अपनी अपनी आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी भी आ गई, ये है लेस देन का, इसका ये लेस देन, तो अब हम इसको ये हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन में बिलो 20 बिलो 25 ये दे रखी है, अब हम इसका ग्रुप बनाएंगे, ये हम इसको कहेंगे क्लास इंटरवल,
क्योंकि क्लास इंटरवल भी हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट में चाहिएगा, तो इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे। बिलो 20 का मतलब 0 to 20, 0 to 20, बिलो 25। अब ये तो कॉमुलेटिव तो आ गई, बिलो 25 6 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, और ये 4 है 20 और 25 के बीच की, ये है 0 से 25 के बीच की, ये है 20 और 25 के बीच की, तो 20 to 25, 25 to 30, 30 to 45, 45 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। अब हमारे पास क्लास इंटरवल भी आ गया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले इधर रखी थी, ये फ्रीक्वेंसी हमने बना दी, ये की बात। अब हमने क्या करना है, फार्मूले में रख देना है, मैं याद कर देता हूँ। पहले n by 2 निकाल देते हैं, n by 2 टोटल कितने हैं, तो 100 थे ना, ये 100 आदमी थे, इनको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 by 2 50। अब इसमें आप 50 को देख लीजिए, इसके बीच में 50 आएगा, तो बड़े वाला लेना है, तो ये क्लास था मीडियम क्लास, ध्यान के देंगे हम मीडियम क्लास, ये आएगा 35 to 40। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, यानी जो मीडियम क्लास है इससे पहले वाली की फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव, तो ये मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली 45 है, और एफ आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, तो ये नहीं लीजिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी सी एफ इसके सामने वाली, तो एफ इसके सामने वाली लेते हैं, कॉम सी एफ इससे पहले वाली लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30। और क्लास साइज है इसका जैसे 20 0, ये 0 की बजाय 15 ले लेते हैं, 15 to 20, क्योंकि 5-5 का गैप है ना सारों में, बीच में भी 5 का ही रखो, तो ये 5-5 का गैप आया, तो एच आ जाए, एच की वैल्यू आएगी 5। बस अब मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको रखना है आपने कुछ नहीं करना, मीडियन आपकी आ जाएगी मीडियन एल लोअर लिमिट 35 प्लस एन बाई 2 50 माइनस सी एफ 45 डिवाइडेड बाई एफ 33 और इंटू में एच 5, सारी चीजें रखे हुई है, 35 प्लस ये बच गए 5 और 5 ही हो गए बट 33, इनको भाग कर लो 25 को 33 से, 0.76, तो ये आ गया 35 प्लस 0.76, 35.76, इसमें से आंसर आएगा ईयर्स, तो ये आपकी मीडियम है, सिंपल ही है, ऐसी बात नहीं, तो ये आपने काम करना है इस एक्सरसाइज में।